दुनिया का कोई भी समास हो, आप उसको देखते देखते एकदम बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सा समास है। ऐसा तरीका अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। किसी भी क्लास के कॉम्पिटिशन किसी भी क्लास के विद्यार्थी भैया, समास आपको जाना है ना, समास का ऐसा कोई धासु तरीका आपको बता ही नहीं सकता। देखते देखते अगर आप नहीं बताए ना, तो मुझे जितना हो सके आपको वीडियो में गाली देना होगा, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया ना और आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो गया ना, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि याद रखिए वीडियो वायरल होना चाहिए। एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा। देखिए जैसे देखते देखते बताएंगे रसोई घर क्या है भैया, तो रसोई घर में तो घर में कौन रहता है, पुरुष रहता है, पुरुष तत्पुरुष हो जाएगा। देखो ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो को देखिएगा, पहले समास का प्रकार जान लीजिए। समास छह प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्यय भाव, कर्णधारय। ये छह प्रकार के समास होते हैं। इसमें चार सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, कौन कौन सा, नीचे वाला अव्यय भाव, अव्यय भाव और कर्णधारय छोड़कर चार को ज्यादा आते हैं। बस इन्हीं को जानना तरीके से। देखो द्विगु कब होगा, जब जहां संख्या का बोध होगा समझिएगा द्विगु हो जाएगा। द्वंद का मतलब जहां संबंध बन रहा है, जैसे धीरे धीरे तो संबंध बन रहा है, माता पिता संबंध बन रहा है। ऐसे तत्पुरुष का मतलब जहां मनुष्य का बोध हो, और बहुव्रीहि का मतलब जहां कुछ अर्थ निकले। अब चलिए समझते हैं, वो बहुत कारगर तरीका ये होने वाला है। जैसे रसोई घर है, 30 को एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद से आसानी से कोई भी समास आएगा ना, एकदम देखते देखते मारिएगा। देखिए रसोई घर, सोचिए रसोई घर में कौन रहता है, पुरुष, तो पुरुष से कौन हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। चंद्रशेखर, इसका मतलब चंद्रशेखर, जिसके चंद्र पर शेख हो, उसे चंद्रशेखर, शेख मतलब जिसके चांद पर शेख हो, शिखर हो, तो चंद्रशेखर। यहाँ पर कुछ अर्थ निकालना, चांद पर शिखर हो तो चंद्रशेखर, तो जहां अर्थ निकलेगा। आंख मूंद के मारेंगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, चंद्रशेखर, 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 अर्थ निकलेगा जिसके चांद, मतलब जिसके चांद पर शेखर हो, जिसके चांद पर शिखर हो, तो भाई चंद्रशेखर हो जाएगा नाम ही, इसका अर्थ निकल रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब बहुव्रीहि हो जाएगा। अब वन मानुष, जैसे तीसरा है वन मानुष, तो वन मानुष का मतलब मनुष्य, वन मानुष मतलब जंगलों में रहने वाला मनुष्य, पहले मनुष्य क्या था, वन मानुष, तो वन मानुष का मतलब मनुष्य ना, पुरुष ना होगा, तो पुरुष से तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे आगे देखिए त्रिफला दिया है, तो त्रिफला में वर्ड छुपा, त्रि त्रि त्रिफला, त्रिफला, तो त्रि मतलब तीन, जो नाम संख्या आता है उसको क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। आगे माता पिता है ना, माता पिता, माता पिता, माता के बाद पिता, इनके बीच रिलेशन बना है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कौन सा, द्वंद समास। मैंने पहले ही आपको बता दिया, जहां संख्या आएगा द्विगु, जहां संबंध बनेगा द्वंद, जहां मनुष्य का बोध होगा वो तत्पुरुष, जहां कुछ अर्थ निकलेगा बहुव्रीहि, ठीक है ना। वैसे माता पिता दोनों समास, क्योंकि अब संबंध बन रही है, धीरे 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 दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, संबंध धीरे 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 धीरे, इसका मतलब संबंध बना रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, दोनों समास हो जाएगा। आगे आनंद, अब आनंद किसी लड़का का भी नाम होता है, यह आनंद कौन लेता है, पुरुष ना लेता है, लड़के ना लेता है, लड़की ना लेता है, मनुष्य ही लेता है, मनुष्य मतलब कौन, पुरुष हो जाएगा, इसका मतलब आनंद कौन सा समास, तत्पुरुष हो जाएगा। आगे है नौ रत्न, इसमें वर्ड छुपा नौ, नौ का मतलब संख्या, इसका मतलब द्विगु समास। चंद्रमौली, जिसका चांद मैला हो उसको चंद्रमौली, यानी इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसका अर्थ निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। बोला नहीं, इससे आसान कोई तरीका ठीक आपको बता ही नहीं सकता, देख के मारना है बस। आगे देखिए धनहीन, तो धनहीन कौन, पुरुषे ना होता है, धनहीन का मतलब धन नहीं, धन सब खर्च हो गया, पहले था लेकिन धन खत्म हो गया, धनहीन, इसका मतलब ये पुरुष से समझते हैं कि धन किसका हीन हो गया, किसका हानि हो गया धन का, तो पुरुष का, इसका मतलब धनहीन कौन सा सब समास है, तत्पुरुष। वैसे ही आजकल, देखो समझ में, आजकल रिलेशन बन रहा है इनके बीच, इसका मतलब ये कौन सा द्वंद समास हो गया, द्वंद। आगे पंचवटी, तो पंच, पंचवटी, पंच मतलब पांच, इसका मतलब ये कौन सा द्विगु समास। आगे हाथ पैर, ये भी एक संबंध बना रहा है, हाथ का पैर, हाथ का पैर, हाथ का पैर संबंध बना है, इसका मतलब ये कौन सा द्वंद समास हो जाएगा। कामचोर, अब आप बताइए कामचोर कौन होता है, पुरुष ही ना होता है, तो पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। आगे राजकुमार, राजकुमार कौन होता है, पुरुष होता है, इसका मतलब भी तत्पुरुष हो जाएगा, देख के मारना है बस। ऐसे दाल रोटी, अब ये संबंध बना है, दाल रोटी रिलेशन बना है, जब भी दाल बनेगा तो रोटी बनेगा, मतलब एक संबंध इनके बीच, रिलेशन है, रिलेशन बना है, इसका मतलब दाल रोटी कौन सा, द्वंद समास हो गया। आगे चौराहा, तो चौराहा में चौ, चौ मतलब चार आ रहा है, इसका मतलब द्विगु समास। पीताम्बर, पिता है अम्बर, पिता है अम्बर, यानी पीताम्बर, इसका मतलब इसका अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश, लंबा है, जिसके लंबा है उधर अर्थात गणेश हो जाएंगे, इसका भी अर्थ निकला लंबोदर, यानी बहुव्रीहि। आज जलज, जलज मीन्स क्या, जहाज हो गया, आज जहाज कौन चलाता है, पुरुष है ना, इसका मतलब कौन सा समास, तत्पुरुष हो गया। वैसे रात दिन, रात दिन एक संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, जहां रिलेशन बनेगा उसको द्वंद समास। देवालय, देवालय यानी देवता का घर, देवालय देवा, देव जोरालय यानी देवताओं का घर, तो देवताओं के घर में क्या पूजा करता है भैया, के मनुष्य, इसका मतलब तत्पुरुष चला हो जाएगा। आगे सुख दुख, तो सुख दुख ये भी संबंध वाला है, इसका मतलब द्वंद समास। आगे सदानंद,
सड है आनंद जिसके, जैसे दशहरण का दस है आनंद जिसका अर्थात रावण, वैसे सड आनंद सड है आनंद, यानी इसका भी अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब कौन सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अगर त्रिदेव, त्रि मतलब तीन, यानी कौन सा द्विगु समास, स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति या स्वर्ग, तो स्वर्ग किसको प्राप्त होता है, मनुष्य को ना पुरुषों को ना, इसका मतलब स्वर्ग कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। वैसे ही राज दरबार, क्या बाबू, राज दरबार, तो राज दरबार कौन लगाता है, पुरुष लगाता है, राजा का दरबार पुरुष, इसका मतलब तत्पुरुष में चलाएगा। दशानन यानी दस है आनंद जिसके, इसका मतलब इसका अर्थ निकल रहा है तो बहु बड़ी। वैसे भाई बहन कौन सा संबंध बना रहा है, तो द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जिसका तीन गो नेत्र है, यानी यहाँ पर त्रि आ रहा है, त्रि 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 मतलब तीन संख्या आ रहा है, इसका मतलब द्विगु समास। कुछ नहीं करना है, शब्द को देख कर थोड़ा सा दिमाग लगा देना बस, क्या इतना दिन से द्विगु समास का मतलब संख्या और द्वंद्व समास का मतलब संबंध, तत्पुरुष समास का मतलब पुरुष का मनुष्य का बोधन चाहिए, अब बहुव्रीहि का मतलब कुछ अर्थ निकलना चाहिए। मैंने बहुत सारे सेट पढ़ लिए, मैंने बहुत सारे समाज की जानकारी इकट्ठा करी, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यही चार को किया था, कौन द्विगु है, कौन द्वंद है, कौन तत्पुरुष है और कौन बहुव्रीहि, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर दू को ससुर को छोड़ दिए बहुत कम आता है, लेकिन आप देखते देखते पहचान सकते हैं कि कौन तत्पुरुष, कौन द्वंद, कौन द्विगु है और कौन बहुव्रीहि है, ये समाज को आसानी से आप देख कर पहचान सकते हैं। बाबू मुझे विश्वास है कि आपको ये तरीका समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आपकी तरह हर आदमी के पास फैलाने का काम कीजिए। आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और भैया जितना मनोबल बढ़ेगा ना उतने और ऐसे ऐसे ट्रिक आप लोग के लिए लाते रहेंगे। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, वाली व्हाट्सअप पर मैसेज करना। इस वीडियो को जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिए, और हाँ नई साल की आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग ऐसा ही फले फूले और मुझे भी फलने फूलने मौका दे। जय हिंद।